नमस्कार, मेरा नाम अज्जू खान, मैं मालवा पाटीदार आयशा निमस से आज आपको 551 के बारे में बता दूँ। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे ये चलता है, ठीक है। 551 जो ट्रैक्टर है ये बहुत ही नए लुक में दिया गया है और अभी इसको ग्राफिक्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और 551 जो है ये अपने वाटर कूल्ड इंजन के अंदर है और 3300 cc का इसमें इंजन दिया गया है। और इसकी टायर के अगर हम बात करें अपन तो टायर इसमें 6/16 के दिए गए और 5/50/16 के टायर में भी आता है। और पीछे के अगर टायर की बात करें तो इसमें पीछे के टायर 1428 के दिए गए हैं और मल्टी स्पीड का ये ट्रैक्टर है। हर गियर में अपन मशीन इसमें चला सकते हैं और एक्सीलेटर पे भी अपन इसको चला सकते हैं। इसमें जो मोबाइल चार्जर के लिए इसमें यहाँ दी गया मोबाइल चार्जर के लिए यहाँ दिया गया है इसका। और इसमें सीट जो दी गई है वो एडजस्टेबल सीट है, आगे पीछे अपन इसको सरका सकते हैं। और मीटर की अगर बात करें अपन तो इसमें मीटर डिजिटल मीटर इसमें यहाँ दिया गया है और घड़ी भी दी गई है। और हैंडल की अगर बात करें तो इसमें नए लुक में अंदर तो हैंडल काफ़ी छोटा दिया गया है। और फ्रंट एक्सल की बात करें अपन इसमें तो फ्रंट एक्सल काफ़ी मजबूत दिया गया है और दोनों तरफ इसमें शॉकअप दिए गए हैं। दूसरे ट्रैक्टरों में एक तरफ भी शॉकअप आता है और काफ़ी मजबूत है। और पीछे की अगर बात करें अपन लिफ्ट की इसकी तो लिफ्ट इसमें हाइड्रोमेटिक लगाई गई है और पानी के लिए बोतल के लिए स्टैंड दिया गया है और लाइट के लिए पीछे कनेक्शन के लिए दिया गया है स्विच। और हाइड्रोमेटिक लिफ्ट है और इसमें टापलिंग अगर बुवाई के लिए अपन इस होल में लगा सकते हैं और कड़क खेत में अपन इसमें लगा सकते हैं। और ट्राली की जो नली दी गई यहाँ गई है, आरम भी इसमें काफ़ी हैवी दिए गए हैं और साइडलिंग वगैरह इसकी जो काफ़ी मजबूत दी गई है, नीच भी इसमें काफ़ी मजबूत है। और इंडिकेटर इसमें यहाँ दिया गया है और पुलो लाइट की बात करें अपन तो इसमें यहाँ दी गई है। और इसके पावर स्टीयरिंग की अगर पंप की बात करें तो पावर स्टीयरिंग का पंप इसमें यहाँ दिया गया है, रेडिएटर इसमें यहाँ दिया गया है और फैन इसमें यहाँ दिया गया है। और हेडलाइट जो दी गई है वो इसमें यहाँ दी गई है। बम्पर भी इसमें काफ़ी हैवी दिया गया है ताकि आगे से ट्रैक्टर टूटे नहीं। नमस्कार।